अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपना विंटर एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत मज़े में हूँ। तो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि 2 शॉप्स पे मेरे साथ बहुत बुरा हो गया और क्या हुआ। तो उसके लिए आप देखें वीडियो एंड तक, क्योंकि अगर मैंने अभी बता दिया तो वीडियो का टेम्पो ख़राब हो जाएगा। तो आज मैं गई थी टाउनशिप मार्केट, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, और बेसिकली जो चीज़ मुझे लेने जानी थी वो था आईब्रोज का ब्रश। तो आईब्रोज का ये मुझे जो है ब्रश लेना था, पुराना वाला सामान में मिल नहीं रहा था, छोटा था मेरा, वाइट कलर में और बहुत डेलिकेट और क्यूट था। तो ये जो है हमने काफ़ी शॉप से पता किया तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये हमारे पास नहीं है, सेट में आता है, आप सेट ले लें। मुझे सेट की ज़रूरत नहीं थी, और ये लेना था मुझे अपनी सिस्टर के लिए। और उसके साथ जो एक इशू है, ये सिर्फ उसके साथ ही नहीं, बहुत सारी लड़कियों के साथ ये इशू हो जाता है। और सर्दियों में जो है ना, स्किन के ऊपर डैंड्रफ नुमा सिकड़ी जो है वो चिपकने लग जाती है, वो बहुत बुरी लगती है। तो ये जो है स्किन का ही कोई प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से ये उखड़ती है। तो ये उसका एक छोटा सा ट्यूटोरियल है, और ट्यूटोरियल जो है वो क्या करना है वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो जनाब, ट्यूटोरियल कुछ इस तरह है कि मैंने इंटरनेट पे काफ़ी सर्च किया था कि ये क्या रीज़न होती है जिनके डेंड्रफ हो जाता है। तो हर एक ने अपनी रेमेडी दी हुई थी। एक इंडियन यूट्यूबर थी जिन्होंने कहा था कि जी हेड एंड शोल्डर्स लगाएं आईब्रोज पे अगर डैंड्रफ हो, और उसके बाद जो है आईब्रोज वॉश कर लें, कोशिश करें कि शैम्पू आंखों में ना जाए। तो ऑब्वियसली इट्स अ फेल रेमेडी, और इसका जो है कोई असर नहीं है। कि अगर शैम्पू आंखों में चला गया तो इरिटेशन हो सकती है, क्योंकि आईज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो इस जो है रेमेडी को मैं तो फेल कहूँगी। आप इस बारे में क्या कहते हैं इनबॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो जनाब, जो दूसरा मुझे एक अच्छा लगा था वो कोई फॉरेनर थी, कोई अंग्रेज़ थी, उनका ब्लॉग था। तो उन्होंने बताया था कि एलमंड ऑयल, प्योर एलमंड ऑयल आपने लेना है, और उसका जो है आईब्रोज के ऊपर मसाज करना है। तो वो आपने किस तरह करना है, ये एलमंड ऑयल लेना है और कॉटन बड दीजिएगा मुझे। कॉटन बड के थ्रू जो है आपने आईब्रोज के ऊपर लगाना है। पूरी दे दें, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, तो ये हमने ले ली है कॉटन बड, और उसका जो है मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने एक पिक्चर के थ्रू किया हुआ था। ये जैसे ये आईब्रोज हैं, ये इसके ऊपर ऐसे करके आपने जो है ऑयल लगा दिया, और थोड़ी देर जो है इसको आपने इस तरह लगा रहने देना। उसके बाद जो ये आईब्रो ब्रश है, ठीक है, इसको लेना है। और पहले तो है आईब्रोज की राइट साइड से इसको यूं करना है कि बाल जो है पूरे सेट हो जाएं और ऑयल जो है बालों के अंदर आ जाए। और उसके बाद जो है ऑपोजिट साइड से इसको इस तरह करना है, थोड़ा सा दबा के स्कैल्प के ऊपर जितनी भी सिकड़ी है वो इस तरह करके उखड़ जाए। और जो है जब सिकड़ी आपके इस पर आ जाएगी तो उसको जो है टिश्यू पेपर से आपने साफ कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो है आपने नीम गर्म पानी से फेस वॉश कर लेना है, और ये जो है आपने 2 दिन छोड़ के जो है ये रेमेडी अपने आईब्रोज के ऊपर करनी है। तो कुछ दिनों के बाद जो है आईब्रोज के ऊपर से जो सिकड़ी जमी होती है और पापड़ी और वो झड़ रही होती तो वो रिमूव हो जाएगी। तो ये मुझे अच्छा लगा था, तो मैं उसके लिए जो है एलमंड ऑयल लेकर आई थी। और एलमंड ऑयल जो है इसकी मम्मा ने कर ली थी बालों में मसाज, उनको पता नहीं चला था कि ये जो है बालों वाला एलमंड ऑयल नहीं है। तो इस वजह से इसके ऊपर जो है ये मैंने पेपर लगा दिया ताकि उनको जो है कंफ्यूजन ना हो कि ये ऑयल कौन सा वाला ऑयल है। तो ये हो गई है हमारी आईब्रोज की रेमेडी। और इसके बाद हम लोग आ गए थे दूध वाली शॉप पर, और वहाँ पर जब जो है मैंने दूध के लिए उनसे कहा कि आप लोग जो है मुझे दूध दे दें 3 केजी, और उसके जो है आपने पैकेट्स मुझे बनाकर देने हैं। तो वो शॉप वाले ने इतना गंदा मुंह बनाया और कहता है कि तो आप इकट्ठे ले लें। मुझे लेना था 3 किलो दूध, और जिस शॉप से दूध तदा से मैं लेती हूँ वो अब जो है मुझे रूट काफ़ी ऑपोजिट पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने घर शिफ्ट कर लिया है और मेरा उस तरफ जाना नहीं होता। तो मैं आई हुई थी टाउनशिप बाज़ार, और वहाँ पर जो दूध वाली शॉप थी तो वहीं से मैंने कहा चलो मैं जो पैकेट्स बना लेती। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई आप इतना गंदा मुँह ना बनाएं,
आप मुझे प्लीज़ जो है हाफ हाफ केजी के पैकेट्स बना दें, क्योंकि मैंने आपको मुझसे पहले भी शेयर किया है कि जो हाफ केजी का पैकेट होता है वो मेरे लिए यूज़ करना कन्वीनियंट होता है। तो मैं जो हूँ इकट्ठा दूध ले आती हूँ। वैसे तो मम्मी पापा ने जो है लगवाया हुआ है डेयरी का दूध, लेकिन उसका ये इशू होता है कि पापा को जाना पड़ता है और वो इतना ज़्यादा दूध जो है उठाकर नहीं ला सकते। तो 3 किलो दूध उन लोगों के लिए आता है, अम्मी भाई और पापा के लिए। तो हम जो दो जिनिया हैं, दो जनानियाँ, उनका हो जाता है इश्यू, क्योंकि हमने वक्त दे वक्त जो है कॉफ़ी दूध और चाय पीनी होती है। तो फिर यूँ हो जाएगा कि दिन में 5 किलो दूध आ रहा था, वो पापा इतना ज़्यादा उठा के ला नहीं सकते। तो मैंने उनसे कह दिया कि आप हमारी फिक्र ना करें, मैं अपने लिए जो है खुद मैनेज कर लूँगी और ये यहाँ से जनाब जी दूध तो गिर रहा। तो उसने ये सही भी नहीं बना कर दिए ना पैकेट्स, तो उसने इतना गंदा, शॉप वाले ने मुंह बनाया। फिर उसके बाद जनाब दूसरी चीज़ उन्होंने क्या की है कि मुझे जो है पैसे दिए हैं और वो इतना गंदा मैला नोट था फटा हुआ। तो मैंने कहा कि प्लीज़ आप ये चेंज कर दें, तो कहता है कि चेंज नहीं होगा। तो दूसरा आया, कहता है जी आपका हो गया है बिल। मैंने कहा जी, और मुझे जो है दही भी चाहिए। तो कहता है कितनी, मैंने कहा 1 किलो। कहता है जी 1 किलो दही इनको डाल दें। तो मैंने कहा प्लीज़ उसके भी 2 पैकेट बना दें। तो कहता है ये क्या बाजी, आप जो है पैकेट पैकेट बना रही हैं, आपको पता है इमरान खान ने शॉपर बंद कर दिए। तो अब मैंने कहा ठीक है, उसने शॉपर बंद कर दिए, लेकिन मैंने 2 घरों के लिए लेकर जाना है, तो अब मैं इसमें से कैसे हाफ के जी जो है निकाल के दूंगी। मेरे घर में तो पैमाना नहीं है कि मैं सेपरेट हाफ के जी करूं। तो आगे से बदतमीजी से कहता कोई बात नहीं बाजी, एक प्याला आप रख लेना, एक प्याला उसको दे देना, दही बराबर हो जाए। तो इस चीज़ पर मुझे गुस्सा आया। अब आप लोग इस चीज़ पर इंसाफ करें कि मैं गलत हूँ या शॉप वाला जिस का बिहेवियर इस तरह का, उसने मेरे साथ बुरा किया। फिर मैंने बहरहाल दही के पैसे दिए, तब फिर उसने जो है मुझे 500 का गंदा नोट दिया। और उस वक्त तो मैं अब और कुछ ले नहीं सकती थी उसकी शॉप से। मैंने कहा भाई इसका चेंज कर दे। तो इतना गंदा मुंह बना के कहता है कि जी भाजी इसका तो चेंज नहीं हो सकता, मैं जी आपको नोट दिखाती हूँ। उसने मतलब इतने वो गंदे गंदे नोट दिए, वो मैंने हाँ ये देखे, मैंने उसको नया नोट दिया था, वो इस तरह के देखें गंदे गंदे उसने नोट दिए हैं। वो मैंने जी दूसरे वाले अपने बैग में रख दिए। तो ये इसने जो है ना मुझे बाद में गंदे गंदे ये वाले नोट दिए। अब मैं उसको ये भी नहीं कह सकती थी कि भाई आप जो है मुझे चेंज करके प्रॉपर वाले नोट दें। तो ये होते हैं अक्सर शॉप वाले, और इनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो कहीं और नहीं निकल रही होती है, तो ये जो है इस तरह अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो ये देखें, मेरी सिस्टर दौड़ के ले आई है मेरा बैग दिखाने के लिए, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। आजकल जो है ना मैं पॉलिथीन में रख रही हूँ, कोविड की एहतियात करनी चाहिए ना, फेज 2 चल रहा है कोविड का। तो ये देखें जनाब, ये दिए इन्होंने मुझे नोट। तो बहरहाल अब उसमें कुछ हो नहीं सकता था, मुझे रखने थे पैसे, तो फिर मैंने जो है इस तरह करके रख दिए। और इसमें मैं क्या कर सकती थी, हाँ ये देखें ये मुझे मिल गया, बाकी के पैसे वो मैंने ना एक तरफ कर दिए थे। ये देखें, ये मैंने 2000 रुपीज़ दिए थे और 2 अलग घरों के लिए लिया था। मैंने कहा था चलो मुझे यहाँ से जो है चेंज मिल जाएगा, और जो है उन्होंने चेंज क्या देना था, ये जो है गंदे नोट मेरे गले में डाल दिए। तो आपको खुद अंदाज़ा करें, और 10 रुपीज़ बच रहे थे और ये वाला मुझे नोट। और अगर हम लोग यही वाला नोट जो है शॉपकीपर को दें तो कहेगा नहीं भाजी ये नोट चलता नहीं है, और आप जो है कहीं और से करा लें। तो मैं बहस नहीं कर सकती थी क्योंकि ऑटो रुकवाया हुआ था, और ऑटो वाला काफ़ी कोऑपरेटिव था कि हमने उसे कहा भाई मैंने दूध वाली शॉप पर रुकना है तो आप रोक लेंगे। तो उसने कहा हाँ जी बिल्कुल मैं रोक लूँगा, इसमें कोई मसला नहीं है भाजी। तो ये जो है आज मेरे साथ दूध वाली शॉप पर बड़ा अजीब सा बिहेवियर हो गया कि जो है अब अगर किसी को 2 बंदे आ गए हैं एक ही घर से और उन्होंने आधा आधा किलो दूध लेना है, एक ही घर में रह रहे हैं 2 फैमिली, तो वो उनको भी कहेगा नहीं भाई तुम 1 किलो दूध लेके जाओ घर जाके आधा आधा किलो कर लेना। तो मुझे फील हुआ था, तो मैंने कहा व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करूँ कि आज दूध वाली शॉप पर जो है मेरे साथ ये इशू हो गया है। तो क्या आप लोगों के साथ भी कभी इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ, अगर इंसिडेंट हुआ तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी हाउ टू सेव मनी के हवाले से, और टिप्स के हवाले से मैंने बनाई थी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर
जाके वो वीडियो जरूर देखें, तो कारामत टिप्स हैं और आप लोगों के जरूर काम आएंगी। तो यहाँ पे करते हैं अपने ब्लॉग को एंड, आपसे मुलाकात होती है एक नए ब्लॉग में, और इनबॉक्स में कमेंट करके जो है भूलना मत मुझे इस टॉपिक के हवाले से बताने का कि जो है आपको कैसे लगी जो आज मैंने आईब्रोज के हवाले से आपसे टिप्स शेयर की हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होती है एक नए व्लॉग में नई टिप्स और नए कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए फिर अमान अल्लाह।